तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, यहाँ पे 38 सेकंड की एक वीडियो फाइल है जिसे मैं कैपकट में इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे फाइल नॉट सपोर्ट की प्रॉब्लम दे रहा है और इसे मैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर से भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप लोगों की कोई भी वीडियो फाइल है, कोई भी ऑडियो फाइल है जो कि फाइल नॉट सपोर्ट की प्रॉब्लम दे रही है, तो आज के मैथड देखने के बाद आप लोगों से ईजिली इम्पोर्ट कर पाओगे। आप लोगों ने प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपने यहाँ पर एक सर्च कर लेनी है जेड आर्चीवर। ये एक फाइल मैनेजर है जो कि आपकी फाइल्स को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर आप लोगों ने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स आप लोगों के पास कैपकट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एज अ न्यू क्रिएटर देखने को मिलती होगी, तो उसके लिए मैंने चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आपने चैनल को भी विजिट कर लेना है। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उस फाइल तक आ जाना है जो कि आप इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे केस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नाम की फाइल है जो कि 38 सेकंड की है। मैं यहाँ पर इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, रीनेम के बटन पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर ये जो तीन अल्फ़ाबेट होते हैं डॉट के बाद के, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ और छोटे अल्फ़ाबेट के अंदर लिखता हूँ AVI और उसके बाद ओके के बटन में प्रेस कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो फाइल मैनेजर था इसका काम ख़त्म हो जाता है। मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देता हूँ। आप लोगों ने VPN ज़रूर कनेक्ट करना है, VPN के बगैर ये काम नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कैपकट एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे टैप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो फाइल ऐड हो चुकी है, 38 सेकंड की फाइल है जिसे मैं इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैपकट से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल करें। मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।